Video class? No. Okay. मान लो 24 घंटे की और ये है रशियन डबल डेकर ट्रेन और हम लोग जा रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग से गुड़गांव। मुझे देखते देखते दादी ने भी मांगे था चाय। अब तो अपने चाचा चले गए और ये बड़ा शहर लग रहा है। नाम क्या जो है सब अलग अलग रशियन नाम से। यहाँ पे कांदालास्का नाम है शहर का। और यहाँ पे लगता है आधा ट्रेन खाली हो गई है और बस कुछ ही लोग जाएंगे मुर्मुस तक। यही सीन है। बहुत धूप है। अभी यहाँ पे 4 बज रहे हैं और मैंने और 5 घंटे की जर्नी होगी मुर्मुस तक। चलो तो अभी पुलिस ने पकड़ लिया था क्योंकि मैं बाहर गया था। ऐसे नहीं पकड़ा क्योंकि ये पता नहीं, मैं शायद दूसरे किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, बट पुलिस ने मुझे अभी पकड़ा और मेरे सारे पासपोर्ट के सारे पेजेस की फ़ोटो लिए जिसमें भी वीज़ा स्टैम्प है। पूछा मुर्मुस्क में कहाँ रह रहे हो, हॉस्टल में या फिर कहाँ पे। मैंने बोला मेरा तो काउचसर्फिंग होस्ट है, मैंने समझा दिया उसको। और फिर मैंने फ़ोन का IEMI जो नंबर होता है ना उसका फ़ोटो ले लिया और मेरे भी बहुत सारे फ़ोटो ले लिए। तो ऐसा होता है क्योंकि कुछ इंडियन और देसी लोग पंगा कर देते हैं मुर्मुस्क आके। वो मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा शायद। बट मुझे हेक्टिक नहीं लगा क्योंकि मैं सही बंदा हूँ। अगर आपको बस बड़े बड़े वीज़ा ना भी हो फिर भी आप सही से एक्सप्लेन करोगे, होटल बुकिंग वगैरह हो। मेरे को पूछ रहा था कि मुर्मुस्क से मॉस्को की टिकट दिखाओ, तो मेरे पास थी नहीं। तो मैं क्या करती है, मैंने रशिया से जो मेरी नेक्स्ट कंट्री है वहाँ की टिकट मैंने दिखा दी। तो उसका फोटो ले लिया, सब कुछ फोटो बहुत सारे फोटो ले। और मैंने जब उसका फोटो लेना मांगा तो उसने मुझे फोटो लेने नहीं दिया। बट ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। अभी बज गए रात के 9 और मैं पहुँच जाऊँगा अपने डेस्टिनेशन मुर्मुस्क और 1:20 में। चलो भाई लोग सब चेक कर लो, पहले चेक कर लिया। बाय बाय ट्रेन, पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन। तो अभी शाम के 9:30 हम लोग आ गए मुर्मुस्क में और जैसे देख रहे हैं कि सनसेट नहीं हुआ है और मेरे सामने कुछ बंदे हैं जिन्होंने मुझे पकड़ लिया है। तो भाई मैं हूँ अभी टैक्सी पे। जनरली टैक्सी पे मैं होता नहीं हूँ, तो सोचते तो कुछ अलग हुआ है। मैं हूँ मुर्मुस्क पे और भाई मुर्मुस्क में सीन ऐसा है ना कि मैंने जैसे बताया था शायद कि ट्रेन में मेरे को 1-2-3 स्टेशन के पहले 3-4 ऑफिसर ने पकड़ा था। एक ऑफिसर ने तो पकड़ा, मैंने सब कुछ चेक कर लिया, फ़ोटो वोटो ले लिए और भेज दिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं जब ट्रेन से उतर रहा था तो मेरे बॉगी के बाहर ही खड़े थे 4 बंदे सिविलियन ड्रेस पहन के और 4 बंदों ने मुझे पकड़ा। मैंने बोला हाँ ठीक है बाल करो। मैंने पूछा अपना आईडी दिखाओ एक जन भाई, एक जन आईडी दिखाने से काम बन जाएगा। फिर बोलता है कि चलो फुल थाने चलो। तो स्टेशन के थाने पे लेके गया मुझे, तो कम से कम 25 मिनट तक, ज़्यादा टाइम नहीं लगा 25 मिनट, फिर भी बहुत है। 25 मिनट तक मैंने बैग वैग चेक किया, मेरे पासपोर्ट के सारे वीज़ा चेक किए, सब कुछ चेक किया। क्योंकि हम अपने बहुत सारे देसी बंदे यहाँ से मुर्मुस्क से कोशिश करते हैं नॉर्वे घुसने के लिए। तो मेरे को डायरेक्ट पूछा तुम नॉर्वे गए हो, ये थोड़े गधे हैं। मैंने पासपोर्ट पर शेंगेन वीज़ा है फ्रांस वाला, मेरे पासपोर्ट पर US का वीज़ा है, फिर भी ये मुझको पूछते हैं कि तुम नॉर्वे जाने के प्लान कर रहे हो कि नहीं। मेरे पास एक गलती होगी, मेरे पास अभी मुर्मुस्क से वापस मॉस्को वाली बस या फिर फ्लाइट वाली टिकट नहीं है। तो ये मैंने गलती कर दी थी, ये आप लोग करके आना मस्ट अगर आप मुर्मुस्क आ रहे हो फ्लाइट टिकट करते हो। और मेरा होटल रिजर्वेशन नहीं है तो मैं काउचसर्फिंग के वहाँ रह रहा हूँ। वैसे तो मैं होटल जगह काउचसर्फिंग बोला तो उससे कुछ खास डिफरेंस नहीं पड़ा। उन्होंने कॉल किया बंदे को, बंदे ने कॉल भी नहीं उठाया, फिर भी नो प्रॉब्लम, चिल लाइफ। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने होस्ट के घर और उन्होंने मैंने पूछा मैं क्या करते हो, मैंने बोला यूट्यूब, कितने सब्सक्राइबर 31,000 सब्सक्राइबर्स दिए। बोले कितने पैसे कमा ले, तो मैंने बोला इतना पैसा कमा लिया। बोले इतना पैसा मैंने कहा, मैंने बोला नहीं इतना पैसा मैंने ज़िंदगी का कमाया।
उसने भी हंसने लगा। फिर बार बार पूछा तुम्हारा पर्पज़ क्या है या पहने का पर्पज़ क्या है। मैंने बताया कि भाई मैं टूरिस्ट हूँ। फिर बोलता क्या देखना है मुर्मुस में, बट एक्चुअली में ना मुझे पता ही नहीं अभी तक मुर्मुस में क्या क्या देखना है। मेरे को बस पता ही अच्छा सिटी और ये एडवेंचर होने वाला है। तो ये वाला एडवेंचर हुआ मेरे साथ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ मेरे को ऐसे पुलिसों ने 3-4 बार पकड़ा है, पर ऐसा हो जाता है। आई डोंट ब्लेम द पुलिस अलॉन्ग। पर आज मेरा वीज़ा देखने के बाद भी मेरे को इतना डर इतने बकबक किया वो खराब लगा मुझे यार। फिर मुझसे पूछा कि तुम्हें अमेरिका वीज़ा कैसे मिल गया। मैंने बोला अरे तुम मेरे को क्यों पूछ रहे हो, तुम उसको पूछो अमेरिका एम्बेसी को मेरे को कैसे वीज़ा मिल गया। मेरे को 10 साल का वीज़ा मिला। फिर मुझसे ने तुम लिया कैसे। मैंने बोला मैं इंडिया भी दिया, इंडिया के बाद वीज़ा मिलता है तो इंडिया होता तो तुम्हें जाएगा। फिर वो चुप हो गया। वो आप एकदम वो फिर बोलता है कि शांत रहो, कुछ टेंशन नहीं होती, नॉर्मल चेक है, तुम पानी वानी पियो। मैंने पानी वानी पिया, चल रहा था ऐसा। तो 20 मिनट बाद मुझे छोड़ा और छोड़ के बोलता है अभी तुम सीधा घर जाओ। तो मैंने बोला हाँ जाऊँगा, मैं पैदल चलूँगा, मैं तेरे घूमूंगा फिरूंगा, फिर ना बस लेके जाऊँगा। नहीं तुम टैक्सी लेके जाओ, तुमको टैक्सी लेके जाना पड़ेगा। मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया टैक्सी नहीं, मैं तो बजट में घूमता हूँ, मैं देखो सस्ते में घूमता हूँ। फिर उसने बोले नहीं तुम ट्रेन में आए हो तो बजट में नहीं घूमता, टैक्सी लेके जाओ, ये आपका रिक्वेस्ट है हमसे कि तुम टैक्सी लेके जाओ। मैंने उनको बोला तुम लोग के पास गाड़ी है तो अपनी गाड़ी में छोड़ दो, यू मोस्ट वेलकम, तुम लोग छोड़ दो, मेरा बजट नहीं है, प्लीज़ छोड़ दो। तो बोलता है नहीं नहीं हम लोग नहीं जा सकते, तुम टैक्सी लेकर चले जाओ। अगर तुम नॉर्वे जाने की कोशिश करते हो तो मैं अगर अरेस्ट कर लूँगा। मैं बोलता अरे यार मेरे पास वीज़ा है, वीज़ा देख ले, मैं कैसे नॉर्वे जाऊँगा। तो यार पता नहीं मेरे लोग पागल हो जाते हैं इंडिया से देखने के बाद। तो आप जब भी आप उनमें से तो वेल प्रिपेयर आना, रिटर्न टिकट होना मस्त, और हिचकिंग वगैरह का तो यार सोचो ही मत, तो ज़्यादा बेटर है। अभी चीज़ें बहुत कम हैं। फिलहाल मैंने टैक्सी ले लिया है, यनडेक्स टैक्सी 3.5 किलोमीटर की, और इसके लिए मैं दे रहा हूँ अराउंड कितना दे रहा हूँ, 150 रुपये दिखा रहा था। और ये है मुर्मुस का नज़ारा। भाई साहब यू स्पीक इंग्लिश माय फ्रेंड, नो वरी इंग्लिश। पक्का पक्का यार 153 रुपये दिया मैंने। ठीक है 3 किलोमीटर के लिए 150 रुपये ठीक है। अभी अपने होश के घर चलते हैं। तो आ गया मैं। हाय You're a big one. If you want. My luggage inside? Uh-huh. Yeah. Okay, now I just keep it here. Well, you can understand almost all you say, but it's hard to... Translate? Yeah, yeah, uh-huh. Take a conversation, okay? It's just a blue thing. This is linen for you and... So you have any host? Our husband? Hi. So... I was talking to her, but she doesn't know English. Only he knows English. यहाँ पे मैं रहने वाला मुर्मुस में, और अपने लिए स्पेशल चाय बन रही है इधर। Yeah, yeah. What is the town? When? It's a small town. You know, Calcutta. Calcutta. Mother Teresa. Oh, okay. Somewhere near Bangladesh. But this is the big city where I study, uh-huh. And my hometown is somewhere here, like. Gang is like 100 kilometers from my house. Oh. And Bangladesh is like 20 kilometers mm-hmm. from my house. I speak. My family speak Bangla. Bangla. No Hindi. No Hindi. No. No Punjabi. No Telugu. Some guests from different parts of okay. Okay, to main pehla Bengali hu. I have magic book. Recipe book for guests. Punjabi. So this time Bangla. You guys eat meat? Of course. Okay. We live in the north. We need to eat meat because not so much energy and vegetables to live here. We have some friends vegans, but they are like
like some work, like a say. Okay, brown rice, palau. Ah, yeah, palau. And big masala. Oh. That has a special cup for masala. Our friend Saran. Saran? Как вы его? Аджит Саран. Аджит Саран. He came and married to Russian girl. Yes. Yeah, they didn't. The police didn't ask me, do you want to marry a Russian girl? They just wanted to meet. What? Not so fast, man. Sorry. Please, not so fast. It's not my native language. The police didn't ask me that you want to marry a Russian girl or not. They just asked me. They asked me just Norway. If they say Russian girl, then I would think, maybe. What's right? Frying eggs, of course. It's frying eggs, yeah. It's not. Because chai mila. It's not cooking. It's just. It's boiling. Yeah. जैसे कहते इवान टी और ये कहा जाता है कि ये अपने साधन चाय से पहले बहुत पुराना रशियन टी है. फूल जैसा स्वाद है. फूल जैसा. It tastes like flower. Something, yeah. Yeah. Leaves and flour. Fermented. Yes. Pressed and dried. For take leaves and. Dhonnobad. And now it's your turn. Dhonnobad. तो उनको thank you सिखना था पर बोला कि अपने language में सिखा तो अपने language में धन्यवाद नहीं धन्यवाद है बांग्ला में तो मैंने धन्यवाद सिखा. In all Bangladesh, speak this. Well, we're almost ready to visit Bangladesh. Yeah. Dhonnobad. Want to buy something? Dhonnobad. Yeah. Oh, this is perfect. Big joker from India. तो अपनी होस्ट खाना बना रही है और सब कुछ अपने घर के जो भी पेड़ पौधे उससे लेके बना रही है. मैक्सिमम मैंने शुरू किया था पीछे वहाँ पे उस छोटे प्लांट से और अभी बहुत कुछ जा रहा है इसके अंदर. थोड़े बहुत फ्रिज से भी आ रहा है बट अच्छा लग रहा है कि ऐसे जो चाहिए ले लो. इट्स वेरी होली इन इंडिया. इट्स कॉल्ड तुलसी दिस प्लांट. बेसिल. या इन इंडिया वी कॉल इट तुलसी. इट्स वेरी होली. वेरी इम्पोर्टेंट फॉर गॉड वर्शिप. Yeah, it's good to have. Now we pray. Yeah. It's good. Do you like flowers? Sweet. Mm. I like flowers. Oh, I'm having the flower first time, but we have the leaves a lot. मेरे को फूल मिल. फॉर कृष्णा बेसिल लीफ इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिश? वाओ. सीओडी कोड कोड. भाई ये मर्स्का ट्रिस्का. भाई ये सी कोड कोड मछली है. यहाँ पे बहुत फेमस है. रशियन ट्रिस्का. ट्रिस्का. यस. और मुझे ट्रेन में बहुत सारे लोग मिले जो कि आ रहे थे नॉर्थ में फिशिंग करने और ये फिश का उनका टारगेट रहता है. तो अपने लिए खास ड्रिंक बन रहा है अभी. तो उधर है अपने तुलसी, एक खीरा और जिन, स्ट्रॉन्ग वाला जिन. ऐसे रहते हैं यहाँ पे नॉर्थिक में लोग और ऐसे हम लोगों को रहना चाहिए. जैसा देश वैसा भी. मज़ा आ रहा है मुझे. अभी आ रहा है रशियन फीलिंग. सोडा. यस. हाँ. टॉनिक. इंडियन श्रेप्स. इंडियन श्रेप्स. ए लॉट ऑफ करी इनसाइड. नज़रवे. Skål in Scandinavia. But this is not Scandinavia. Skål is cheers. But this is not Scandinavia.
This is not Scandinavia. Я почти в Скандинавии. She's almost in Scandinavia. Okay. She likes Scandinavia a lot. Skåld. 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 No that's way. What they are? Skåld. Men alltså, kan vi inte kalla? If I write it for you. No, I don't understand. It's better until you say it because I won't be able to read. Priyat Nava Apetita, Bon Appetit Cafe there. Russian salad, here, plenty. It's not Bon Appetit, it's like I have a pleasant appetit. No, it's good. So, now I have a gift. I have a small glass of water. जो ताली सबको देती है और मुझे मिल गया अब इसका क्या करूँ अभी तो मुझे नहीं पता जब मैं करूँगा तो आप लोगों को बता दूंगा अब वीडियो तो देख ही रहोगे बने रहोगे और अभी खाना चल रहा है कूल 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 रशियन गाय तो अभी रात के बज गए 12:30 और हम लोग जा रहे हैं एक वॉक पे डिनर हो गया है रशियन सैलड और थोड़ा रशियन ड्रिंक्स और 12:30 बजे मैं एक हल्का टी शर्ट पहन के आर्टिक सर्कल पे पहली बार वॉक करने जा रहा हूँ ये एक्सपीरियंस असली होने वाला है रशिया वाला चलो बाहर आ गए आर्टिक में पहली वॉक आर्टिक में क्योंकि पहले तो मुझे टैक्सी लेना पड़ा अपने हॉस्पिटल इस साइड वो देखो रात के बज गए 12:30 स्मेल यस नाइस स्मेल इट्स इन रशियन सिरिन लैवेंडर सिरिन लैवेंडर नो 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 इंग्लिश लैवेंडर पीटर्सबर्ग में थे तब भी ये नहीं दिख रहा था थोड़ा बहुत तो अंधेरा हो ही रहा था अभी देखो रात के 12:25 बजे हैं और सूरज वाओ मिडनाइट सन रात के 12:30 बजे सूरज ये है आर्टिक का मज़ा इसलिए मैं आया था लोग बोल रहे थे कि भाई तू मुर्मुस क्यों जा रहा है मुर्मुस में तो विंटर में आना चाहिए फॉर द नॉर्दर्न लाइट्स बट नो आई केम टू मुर्मुस फॉर द सन बिकॉज आई लव समर एंड आई लव सन एंड आई लव काउच सर्फिंग स्पासिबो काउच सर्फिंग अपनी अच्छी होस्ट और हम लोग वॉक पे निकले हैं रात के 12:30 बजे ये वाकई में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आप सोच सकते हैं रात के 12:30 बज गए इसके बारे में मैंने बचपन में किताबों में पढ़ा था कि नॉर्वे में है और रशिया में है ये मैंने किताबों में नहीं पढ़ा था अभी आपको दिख रहा है मेरे थ्रू एक्सप्लोरर के थ्रू बहुत सारे इधर पंछी है इधर Sea eagle, yes. The sea is close. Marsa? Marsa? Is close? Marsa? What is this? Sea, sea. Sea? Sea. Is close? Close? I put some. Is the sea close by? Ah, yes. More rядом. Hills and gulf. Gulf. तो हम लोगों ने जो अभी चाय पिया था ना मैंने बताया था इस वीडियो में शायद वो यही इवान है इस फूल से चाय बनता है तो इनका मानना है कि इनका मानना है कि चाय पत्ती से पहले ये लोग इसे बहुत पहले इन्वेंट कर चुके थे इधर रशिया के इस पार्ट में और इसे फूल को इन लोग पेस्ट करके चाय पीते थे मेरे पीछे सूरज देवता आप लोग हैं नॉर्थिक सर्कल में आर्टिक सर्कल के ऊपर है हम लोग और रात के अभी बजे 12:30 और सूरज खड़ा है ये मैजिक नहीं है हम लोगों ने पढ़ा था 6 महीने इधर दिन रहता है 6 महीने रात रहता है वहीं पे हम लोग अगर आप दूसरे मंथ में आओगे तो ऐसा नहीं मिलेगा बेस्ट है जून जुलाई इन 2 महीनों में आओगे तो आपको सूरज 24 घंटे मिलेंगे भाई मैं गया था उशुआया में दुनिया की सदर मोस्ट सिटी कहा जाता है वहाँ पे भी मैं गया था दिसंबर में जहाँ पे दिन होना चाहिए था समर्स पर तब भी सनसेट हुआ था 1 घंटे के लिए भी 1 नहीं 2 घंटे के लिए सनसेट हुआ था क्योंकि उशुआया उतना भी साउथ नहीं है जितना नॉर्थ है मुर्मुस तो स्वागत है मुर्मुस में मज़ा आ रहा है दैट्स व्हाई आई केम टू रशिया दैट्स व्हाई आई ट्रैवल दैट्स व्हाई यू गर्ल्स शुड ऑल्सो ट्रैवल तो ये वीडियो
शायद मैं ये पे एंड कर दूँ. कीप लुक एक्सप्लोरिंग विद एक्सप्लोर राजा. जो लोग इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हैं उनको ये वाले अपडेट्स ऑलरेडी मिल रहे होंगे. एंड आप लोगों को मिलूंगा मुर्मुस के अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं एक्सप्लोर करूँगा बहुत कुछ अच्छा उस फैमिली मिला है. एनीवे कीप एक्सप्लोरिंग विद एक्सप्लोर राजा. बाय.